नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है vampirehub.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। दोस्तों, हमारी सदा से कोशिश यही रही है कि हम आपके लिए सबसे पहले सरकारी नौकरियों की जानकारी लेकर आए और आज भी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम जिस सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं वो निकली है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के डिपार्टमेंट में। हाल में ही साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 313 अप्रेंटिसेस के पद के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल्स में। दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट का नाम है अप्रेंटिसेस। इसके लिए शैक्षिक योग्यता है 10वीं पास, ITI पास। जॉब लोकेशन रहेगा नागपुर, महाराष्ट्र। लास्ट डेट टू अप्लाई है 27 दिसंबर 2017 को और इसके लिए एज लिमिट मांगी गई है 15 से लेकर 24 साल तक। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.scr.indianrailways.gov.in। अगर वैकेंसी डिटेल्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 313 और पोस्ट का नाम है अप्रेंटिसेस। यहाँ पर कोपा से 86 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से 19, पावर मैकेनिक से 4, मैकेनिक मशीन टूल से 4, डीजल मैकेनिक से 48, एसपी से 10, इलेक्ट्रीशियन से 48, पाइप फिटर से 20, वायरमैन से 11, ट्रिमर से 4, बियरर से 1, वेल्डर से 32, पेंटर से 23, कारपेंटर से 19, फिटर से 36 और पसा से 18 वैकेंसीज है। दोस्तों, यहाँ पर शैक्षिक योग्यता मांगी गई है 10वीं पास, साथ ही आप अगर ITI पास हैं तब भी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको सैलरी जो दी जाएगी वो काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन मेंशन नहीं की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर 15 से लेकर 24 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज का रेफरेंस दिया गया है 25 नवंबर 2017 को। दोस्तों, अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर आपको देना होगा 100 रुपये, जो कि आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर SBI चलान के थ्रू आप दे सकते हैं। वहीं SC, ST, PWD और VIVAN कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। दोस्तों, अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर मेरिट लिस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन पर बेस्ड होगा। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आप इस फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आपको हमारे वेबसाइट पे चला आना है। उसके बाद आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे डिटेल्स को पढ़ना है, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ना है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्लिक हेयर फॉर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें और उसको पढ़ें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है 28 नवंबर 2017 और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है 27 दिसंबर 2017। तो दोस्तों, आप इसी के अनुसार अप्लाई करें। दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आप इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए पेज खुल गया है। यहाँ पर आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन करना है क्योंकि आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं। और दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है। जैसा कि देख रहे हैं, आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, किसी के लिए भी, तो आप उस ट्रेड के अनुसार क्लिक करें उस पर। जैसा कि सपोज करिए मुझे फिटर के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे फिटर पे क्लिक करना है और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया। यहाँ पर आप अपने डिटेल्स के साथ इस फॉर्म को फिलअप करें, उसके बाद सबमिट कर दें और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्म फिलअप का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी और उसके फॉर्म फिलअप के साथ।